बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नावली 1.2 का। इस प्रश्न में आपको 306 और 657 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है और आपको 306 और 657 का आपको एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम हल स्टार्ट करें तो आपको पता होगा कि एलसीएम अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है यहां से बनाया, आप यहां पे ध्यान दें, पता है आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है म स प गुणे ल स प। ठीक है बच्चों, ये होता है। अगर आपको एलसीएम चाहिए ल स प लघुत्तम समापवर्ती चाहिए तो आप क्या करें कि म स प से इधर लाके भाग कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, जब इधर आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, तो इधर आएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा बटा में म स प। ठीक है, अगर आपको एलसीएम चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में म स, यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको आपको एचसीएफ चाहिए होता, ठीक है, एचसीएफ अगर चाहिए होता तो आप क्या करते, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज और इसमें दे दी आपको कि HCF इक्वल टू 9, यहाँ पे इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है ना, वहां पे आपको HCF निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए बस आपको पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या देखिए इसमें क्या है 306 है ना, और दूसरी संख्या है 657, 657। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 और बटा में, और बच्चों म स प एस सी एफ दिया हुआ है आपको कितना 9, एस सी एफ का स्थान पर हम लोग 9 लग देंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब इसे आप कटा सकते हैं, 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27 27 हो गया, इसमें 27, इसमें 3 बचा है, 3 और 6 36 बनाएगा, अर्थात 9 6 36, ठीक है, अर्थात 34 इंटू 657, 34 से आप 657 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 34 गुणे 657 बराबर आएगा 22,338, LCM of 306 and 657 is equal to 22,338, ये आपका आंसर है। एक बार फिर समझिए, हमें HCF of 306 और 657 अर्थात 657 आपको 9 दिया हुआ है और आपको LCM ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं का LCM ज्ञात करना है उन दोनों के गुणनफल में HCF से हम लोग भाग दे देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अब याद रखेंगे LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में म स प HCF होता है। बस आपको ये जो मान दिए गए हैं यहाँ पे बस पुट करना है और एस सी एफ इक्वल टू 9 जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, इसको कटाएंगे 9 से तो ये 34 बार में 306 कट जाएगा। ठीक है, अर्थात 34 इंटू 657 657 करेंगे और इनका जो गुणनफल आएगा 22,338 आएगा और यही आपका अभिष्ट एल सी एम लस। ठीक है।